थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ए एम टी वी प्रो। मैं नमित तिलक और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वी जी ए टू एच डी एम आई अडेप्टर की। ऑडियो के साथ ये आता है और ये अगर आप देखें मार्केट से जो मैंने इसको परचेज़ किया है 350 रुपीज़ का सिर्फ परचेज़ किया है। तो इसका जो मेन फंक्शन है इसके बैक साइड पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपके कंप्यूटर जो आपका पुराना लैपटॉप है या कंप्यूटर है जिसके अंदर एच डी एम आई पोर्ट का ऑप्शन नहीं है, तो आप वी जी ए के थ्रू अपने जो कंप्यूटर का आउटपुट है और लैपटॉप का आउटपुट है वो अपने टी वी पर आप दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आप जैसे कि इस डायग्राम में मेंशन है, ऑडियो का आउटपुट है, एक वी जी ए का आउटपुट ये दे रखा है, यू एस बी का आउटपुट ये दे रखा है और एक टी वी के साथ एच डी एम आई के थ्रू आप आउटपुट इसके थ्रू दे सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे आप सारे फीचर इसके अंदर आप देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है और ये सारा फीचर्स आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना इनपुट है, क्या आउटपुट है, क्या रेजोल्यूशन देता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। साइड में साइड के पैक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका नाम मेंशन है सिर्फ और इस तरफ भी सेम ऐसे ही है। बैक साइड में यहाँ आप देखेंगे वी जी ए और एच डी एम आई दोनों पोर्ट, वी जी एस से एच डी एम आई जाता है, ये पोर्ट मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है 350 रुपीज़ का सिर्फ। तो इसके अंदर जो मेरे को कंटेंट अवेलेबल है तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये है, ये एच डी एम आई पोर्ट है, ये वी जी ए पोर्ट है, ये आपके पी सी या अपने लैपटॉप पर ये लगेगा आउटपुट के लिए, ये साथ में इसका ऑडियो जैक भी अपने सिस्टम पे लगेगा। और तो इसके साथ हमें एक चार्जिंग केबल भी है, इसमें आप देखेंगे ये नॉर्मल जो एंड्रॉयड वाला जो प्लग होता है ये दे रखा है, साथ में आपको यूएसबी है जो आप किसी भी आप चार्जिंग पोर्ट से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपके पास ये सिर्फ तीन चीज़ें अवेलेबल है। इसके साथ आपको जो मेन चीज़ चाहिए होगी वो चाहिए होगी एचडीएमआई केबल, जिसके थ्रू आप अपने इस डिवाइस को अपने जो भी आपका एलसीडी स्क्रीन है, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक परचेज कर चुका हूँ। ये 3 मीटर लेंथ का एचडीएमआई केबल है, दोनों तरफ एच डी एम आई सेम पोर्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो एक आपका इस डिवाइस पे ये लग जाएगा, तो एक आपको इस डिवाइस पे ये लग जाएगा और इसका जो है ये सीपीयू पे लगेगा और ये आपका सीपीयू के जो है ऑडियो जैक पे ये लगेगा। तो आप इसको आप अपने टीवी से जैसे कनेक्ट करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो आपके कंप्यूटर का आएगा। पूरे सेटअप के लिए आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी जो मैं अब जल्द ही इसको अपने चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे भी वायर का जो प्रोसेस है कि कैसे वायर कनेक्ट करने हैं वो सारा प्रोसेस उसके अंदर मैं बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो को लेकर फिर लौटूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट तो बनता है।